दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एमपी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। एमपी में जो स्कूल लेक्चर के भी बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है उसके बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो यदि आपका एमपी के अंदर स्कूल लेक्चर बनने का, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का सपना है, तब आपका सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना। देखो यहाँ पर हम ए टू जेड सब कुछ बात करेंगे, चाहे फिर आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सिलेक्शन प्रोसेस हो, एग्जाम पैटर्न हो, या फिर आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ए टू जेड सब कुछ बात करेंगे। कि स्टूडेंट को भाई जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कब से उसके फॉर्म भरने से लेकर उसके फाइनली सिलेक्शन तक, वो सारी इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ पर काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको वीडियो पूरा जरूर देखना है, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। चलिए यहाँ पर वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट खुली हुई है एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करते हो, लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पर क्लिक करना है रोल बुक पर। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट खुल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट काफी डिटेल में बता रखा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को चाहिए यहाँ पर काफी सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो एक स्टूडेंट को इजीली एक एक पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इसको काफी अच्छे तरीके से समराइज किया है ताकि कम से कम समय में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सके। आपकी जो भी वैकेंसी आई है यहाँ पर देख सकते हो आप, हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट, मतलब एक तरह से फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। जो वैकेंसी आई है वो डायरेक्ट प्लस बैकलॉग से ही वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 8720, जिसके बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर अगर पोस्ट को देखते हैं अपन, तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पर बता रखा है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर है 8720, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आपकी जो वैकेंसी निकले दो तरह के डिपार्टमेंट के थ्रू ये वैकेंसी निकले। देखो एक तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट वैकेंसी, दोनों की मिलाकर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है 8720 समथिंग। ठीक है, अब अगर जैसे मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करूं, तो केमिस्ट्री की यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से 651 पोस्ट निकली है और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से 130 पोस्ट निकले। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 781 पोस्ट, बहुत ही बड़ी वैकेंसी, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये, छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बड़ी मुश्किल से इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है, मान के चलना बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। तो अगर थोड़ी सी भी आपके मन में जिज्ञासा हो ना, थोड़ी सी भी लालसा हो कि हमको एमपी के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, तो भाई जी जान लगाकर अपनी तैयारी को कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मान के चलना। इसी तरह से अदर सब्जेक्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर बता रखी, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई, आप चाहो तो वीडियो को एक बार पॉज करके इनको आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर अपन बात करें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। देखो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 18 मई 2023 से 1 जून 2023 तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते, तो लगभग 15 दिन का समय आपको मिलेगा। इसी तरह से करेक्शन, आप अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो आप 18 मई 2023 से 6 जून 2023 तक करेक्शन कर सकते हो, लगभग 20 दिन का समय यहां पर आपको मिलेगा। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो भाई फीस नॉन रिफंडेबल होगी, आपको एप्लीकेशन इस वेबसाइट पर जाकर भरना है एप्लीकेशन फॉर्म, और आप यहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी मेथड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपन एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फीस है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो स्पेशल एमपी के स्टूडेंट है उनके लिए 250 फीस है। ध्यान देना, अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट है दो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको चाहिए, अब उनको 500 रुपए पे करना है, लेकिन स्पेशल एमपी के जो स्टूडेंट है ये उनके लिए, बाकी अदर स्टेट के इस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। अगर आप बैकलॉग से फॉर्म यहाँ पर भरते हो तो कोई यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। अगर आप जो फॉर्म भरोगे एमपी पोर्टल के थ्रू भरोगे तो 60 यहाँ पर चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर सिटीजन यूजर आईडी के थ्रू फॉर्म भरते हो तो 20 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके कोई गलती हो जाती है, करेक्शन आप करते हो, तो आप अगर ये अपनी यूजर आईडी के थ्रू करेक्शन करोगे तो 20 रुपए लगेंगे, अगर आप यहाँ पर पोर्टल के थ्रू करेक्शन करोगे तो 50 रुपए आपको यहाँ चार्ज करना होगा। देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आपका जो अभी एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है वही इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है। ध्यान देना, एमपी पीएससी इस वैकेंसी को कंडक्ट नहीं करा रहा है, इस वैकेंसी को कंडक्ट कौन करा रहा है, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो एमपी सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आप ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। अब यहाँ पर इन्होंने ये क्लियर मेंशन कर रखा है कि आप अभी ये फॉर्म भरते समय यहाँ पर इनको फीस दोगे, अब आपको ये फीस एक ही बार देनी है,
यदि 19 अप्रैल 2024 तक ये कोई सी भी दोबारा वैकेंसी निकालते, ध्यान देना मैंने क्या बोला, यदि ये 19 अप्रैल 2024 तक कोई सी भी वैकेंसी दोबारा निकालते हैं तो आपकी दोबारा से यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, दोबारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी फीस यहाँ पर एक बार ही लगेगी, दोबारा फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास सेकेंड डिविजन पीजी होनी चाहिए, इसी तरह से बीएड या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए सेकेंड डिविजन, और साथ के साथ आपका पास एमपी टेट होनी चाहिए 2018 या फिर 2023 की। एमपी टेट आपके क्वालिफाई होने चाहिए, क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर बता रहे हैं अनरिजर्व या अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 60% मार्क्स यहाँ पर होंगे क्वालिफाई। एमपी की अगर बात करें तो एमपी में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी स्टूडेंट के लिए 50% है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर 50% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर ये इतने मार्क्स आपके आ रहे मतलब एमपी टेट आपके क्वालिफाई है 2018-2023 की, साथ के साथ पीजी प्लस बीएड आपके पास है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट के साथ एक बात ध्यान रखना, जब आपका अगर मान लो आपका एमपी पीजीटी के अंदर एमपी में फर्स्ट ग्रेड टीचर पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए, ध्यान देना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है तो आपके पास रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाना चाहिए, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 ईयर है, और एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग होगा। अगर अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर बता रखिए, देखो अनरिजर्व मेल के लिए यहाँ पर 40 ईयर्स है, ठीक है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 45 ईयर्स है, इसी तरह से मेल या फीमेल हो अगर इस कैटेगरी में हो रिजर्व कैटेगरी में तो 45 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 45 ईयर्स है, और साथ के साथ अगर आप एमपी गवर्नमेंट के कोई कर्मचारी हो तो आपके लिए भी अपर एज लिमिट 45 ईयर्स है। अब स्पेशली अगर आप गेस्ट टीचर हो, गेस्ट टीचर तो यहाँ पर 9 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, तो ये जितने भी अपर एज लिमिट है इसमें 9 साल आप जोड़ दो आपके पास ही आ जाएगी ना। गेस्ट टीचर्स के लिए यहाँ पर बता रखा है कि आपका गेस्ट टीचर्स के लिए आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपका मिनिमम 3 साल का यहाँ पर ये होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कम से कम 200 दिन का आपका वर्किंग डेज यहाँ पर होना चाहिए, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अब बात करें भाई यहाँ पर एग्जाम डेट की, तो आपका जो एग्जाम होगा भाई 2 अगस्त 2023 को होगा, ध्यान देना एग्जाम डेट फिक्स है, 2 अगस्त 2023 को आपका एग्जाम होना है। एग्जाम दो पारी में होगा यहाँ पर, एक तो मॉर्निंग सेशन होगा 9:30 से 11:30, एक इवनिंग सेशन होगा यहाँ पर 3 से 5। अब हो सकता है आपका एग्जाम सुबह की सेशन में हो या शाम के में हो, आपको जब एग्जाम होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा, पॉसिबली यहाँ पर बाइलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन जो आएंगे वे पीजी लेवल के आएंगे, क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, पीजी लेवल के आएंगे, तो यहाँ पर आपको जो प्रिपरेशन करने ना वो बिल्कुल दुप्पल में नहीं करने, ऐसे नहीं करना भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया काम हो गया, आपको पीजी लेवल का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करने, आपका एक ही पेपर होगा फाइनली। अब आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरोगे उस सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे मान लो आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा तो केमिस्ट्री का आपका पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ये समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, आपको इस लेवल का जरूर ध्यान रखना है, पीजी लेवल का पेपर होगा मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आगे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में बात करेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं, यदि आप स्पेशली केमिस्ट्री से अगर प्रिपरेशन करते हो तो एच गुड क्लासेज यहाँ पर आपकी काफी हेल्प कर सकता है। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हो तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको एमपी पीजीटी के लिए फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। अगर फ्री ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर भी बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, लेकिन अगर आपको फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो तो फुल ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपको ए टू जेड सब कुछ मिलेगा, चाहे फिर वो वीडियो लेक्चर हो, डाउनलोडेबल नोट्स हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, असाइनमेंट शीट हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी, ए टू जेड सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इतना ही नहीं है, फ्री फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल भी देख सकते हो, मतलब आप फटकर देख सकते हो पहले कि कंटेंट कैसा है, जब सब कुछ आप समझ में आ जाए आप 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ फुल कोर्स ज्वाइन करते समय अगर कूपन कोड आप एसजीसी कोटा अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर और मिलेगा। अब यदि आपको कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए या और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। एच गुड क्लासेज आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, फिर फुल कोर्स चाहे आपको ज्वाइन करना हो चाहे आपको फ्री कोर्स ज्वाइन करना हो, एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होगा।
चलिए वीडियो की शुरुआत आगे कंटिन्यू अपन करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% 40% होगा। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% है। अब ध्यान देना ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने नंबर आप ले आए तो सिलेक्शन होगा, कट ऑफ अलग से जारी होगी। इसका मतलब तो यही, अगर आपके इससे कम नंबर आ गए तो चाहे सीट ही खाली रह जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे सीट ही खाली रह जाए सिलेक्शन नहीं होगा, ये इसका मतलब। जो कट ऑफ होगी मान के चलना इससे काफी ज्यादा रहने वाले है ना, इसलिए आपको तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करनी है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसका सीधा सीधा मैं तरीका बता देता हूँ क्या होगा। देखो सबसे पहले आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा सबसे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट जारी करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट को पास करेंगे, फिर उनमें से कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और एक फाइनल लिस्ट यहाँ पर आएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपका बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन के बाद हो सकता है आपकी पोस्टिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट में हो सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भराते समय आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आप किसके लिए यहां पर अप्लाई कर रहे हो ना, बाकी जब फॉर्म भरने में आएगा तो आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पर फाइनली क्या होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर फॉर्म भरते समय दो स्टूडेंट के बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो जिस स्टूडेंट की एज ज्यादा है जो बड़ा है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर मान लो दो स्टूडेंट के बराबर मार्क्स आ जाता है या भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आते तो फिर जिस स्टूडेंट के पीजी के अंदर मतलब जैसे एमएससी एमए के अंदर ज्यादा मार्क्स है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपके सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताए ताकि हम आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।